ज़ेल में से पैदल अशख़ास के गुजरने का रास्ता है का इशारा कौन सा है? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है? हार्ड पूछने का क्या रीज़न है? 10 सवालों के जवाब दे के टेस्ट पास कर लिया। चलिए ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और 2000 रुपये के चलान से अपनी जान छुड़वाएं। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किस किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, मैं आज एक ट्रैफिक सेक्टर में मौजूद हूं, यहां आपको कंप्लीट तरीकेकार बताऊंगा कि किस तरह आप बआसानी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। जी, अब मैं उस सेक्टर में आ चुका हूं जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीकेकार जो है बाकायदा वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं, मैं अगर एक आम आदमी की तरह अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आऊं तो मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें सबसे पहले हमारी ऐप है रास्ता एप्लीकेशन, वहाँ से आपने अपनी अपॉइंटमेंट करनी है हमारे किसी भी लाइसेंसिंग सेंटर की। वहाँ पर आप जाएँ, अपनी स्टैम्प्स जो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प्स होती हैं वो आपने साथ लेके जानी है, और आईडी कार्ड की एक कॉपी जस्ट आपने साथ लेके जानी है। हमारे काउंटर पर किसी भी काउंटर पर चले जाएँ, वो उसी वक्त विद इन 5 मिनट आपको आपका लर्नर लाइसेंस बना के दे देंगे। मैंने यहाँ आने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी और अपॉइंटमेंट पे आके मुझे ये टोकन नंबर दिया गया। टोकन नंबर के साथ मैंने टिकट्स भी परचेज़ की थी जो मैंने यहाँ पर सबमिट करवानी है। ये मेरा आईडी कार्ड भी आप मेरे पास देख रहे हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके का दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह मैं अपनी बारी पे क्यू में लग के इधर पहुँचाऊँ और यहाँ से किस तरह मुझे लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके बाद मैं टेस्टिंग के लिए वैलिड हो जाऊँगा और विद इन 42 डेज जो इनका प्रोसीजर है उसके बाद मैं टेस्टिंग के लिए जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले आपको क्या दिखाना है? सर, आपने मुझे ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी, स्टैम्प्स और जो सामने से टोकन मिला वो चीज़ें आप मुझे। ठीक है। आपका नाम फैजान आसिफ है? जी जी। सबसे पहले इन्होंने मेरे से आईडी कार्ड लिया, आईडी कार्ड की कॉपी ली, स्टैम्प्स ली जो मैं वहाँ से लेके आया था, और इन्होंने फिर मेरा डाटा फीड किया। डाटा फीड करने के साथ साथ इन्होंने मेरा ब्लड ग्रुप पूछा जो आपको पता होना चाहिए यहाँ आने से पहले, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, और इन एमरजेंसी केस आपको एक दूसरा मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा ताकि अगर कोई एमरजेंसी हो तो रابطہ किया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने मेरी हाइट भी पूछी। हाइट पूछने का क्या रीज़न है? सर, लाइसेंस में एक ऑप्शन होती है हाइट की, वहाँ आपकी हाइट मेंशन होती है। अच्छा, मतलब ये मुझे पहले नहीं पता था, यह पता चला है कि जब आप लाइसेंस बनवाने जाएं तो आपको आपकी हाइट भी पता होनी चाहिए कि हाइट क्या है। अभी ये मेरा मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस बना रहे हैं, अब अगला प्रोसीजर क्या है? अच्छा, अब ये कैम सामने आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है, यहाँ से ये मेरी पिक्चर लेंगे जो मेरी ड्राइविंग लाइसेंस पर आएगी। तस्वीर के बाद आपको यहाँ पर अपनी स्मॉल फिंगर स्कैन करनी है, ये स्कैनर यहाँ पर पड़ा है, ये मैं स्कैन कर रहा हूँ। उसके बाद ये आप सेकंड फिंगर करेंगे, उसके बाद ये थर्ड वाली करेंगे, फिर ये नेक्स्ट थंब आ जाएगा। आपने राइट हैंड के थंब से स्टार्ट करना है। अच्छा, आपका प्रोसीजर इस तरह है कि आपने लेफ्ट के स्मॉल फिंगर से स्टार्ट होके थंब पे आना है, और फिर जब आपने राइट पे जाना है तो आपने स्टार्ट थंब से करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सिंपल उसी तरह क्यू में जाते रहेंगे। 10 जो उंगलियाँ आपकी जब स्कैन हो जाएं उसके बाद आपने दोनों हाथों में से किसी भी एक अंगूठे का जो सा थंब जो है वो वेरिफिकेशन के लिए स्कैन कर देना है। ये मैं अब स्कैन कर रहा हूँ और ये आई थिंक स्कैन हो चुका है। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? आपके लर्नर का प्रिंट दूंगी। ठीक है, लर्नर आपके बन गए हैं, अब हम आपको प्रिंट देंगे लर्नर। ठीक है, मतलब इसके बाद मैं फ्री हूँ, लर्नर लेके जा सकता हूँ। ये मुझे अब मेरा लर्नर मिल चुका है। लर्निंग परमिट हासिल करने के बाद जो आपका प्रोसीजर होता है टेस्टिंग का, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में वो भी दिखाएं ताकि आप वो भी प्रोसीजर एक दफ़ा देख लें कि आपको टेस्टिंग मतलब कौन कौन से टेस्ट से गुजरना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने लर्नर परमिट वाला सारा प्रोसेस तो दिखा दिया अपनी आवाम को, और उसमें ये भी बता दिया कि जब आपके 42 डेज पूरे हो जाते हैं फिर आपने अपने ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए रابطہ करना होता है, तो सबसे पहला तरीकेकार क्या होता है? उसमें आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आईडी कार्ड की कॉपी, जी जी, असल आईडी कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस टिकट्स, ठीक है, एचबीएल की स्लिप, जो चलान फॉर्म जमा करवाना है। चलान फॉर्म जमा वो कितने रुपए का होता है? 100 रुपए का। बस 100 रुपए वो आपने जमा करवाना है? जी, वो एचबीएल के जो सीडीओ के अकाउंट है, जी जी, वो ड्राइविंग टेस्टिंग वाला, उसमें आपको 100 रुपए जमा होगा, ठीक है, फिर आप अहल होंगे इसके लिए, टेस्ट देने के लिए, साथ आपका असल लर्नर परमिट हो, ठीक है। सबसे पहले उसकी अपॉइंटमेंट देखी जाती है, ठीक है,
अपॉइंटमेंट देखने के बाद उसको फाइल फॉर्म ए मुहैया किया जाता है, ठीक है, जो उसको फ्री दिया जाता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, उसके ऊपर फिर उसकी फाइल कंप्लीट की जाती है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल किए जाते हैं और लर्नर परमिट सारी चीज़ें लगा के उसके बाद उसका साइन टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपसे कंप्यूटराइज कुछ साइंस आपको दिखाए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये साइन किस चीज़ के हैं। अच्छा सर, यहाँ पर कैंडिडेट को बिठाने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप जो है ना, यहाँ पे कैंडिडेट को एक पिक्चर ली जाती है, ठीक है, इसको कंप्यूटर नंबर टोकन जनरेट कर रहा है टेस्ट के लिए, ठीक है, जब वो जनरेट होगा फिर इसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे सहूलत है इंग्लिश और उर्दू दोनों के लिए, आप इंग्लिश में भी टेस्ट दे सकते हैं, उर्दू में भी टेस्ट ले सकते हैं, और साथ इसके एक स्पीकर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो स्पीकर से भी इसकी हेल्प आउट हो जाती है कि अगर इसको लिखना या पढ़ना नहीं आता तो वो उसको बोल के भी बता रही होती है। आप इनका टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट स्टार्ट करें जी। जी कर, ये आपने इसको आप टच भी कर सकते हैं, माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी रहे, आपको कैसे ईजी है टेस्ट कर सकते हैं, आप टच भी कर सकते हैं, इसको आप टच करें। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि जब टेस्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले लैंग्वेज का इंतखाब होता है, फिर उसके बाद उनको 10 MCQs दिए जाते हैं जिसको उन्होंने 2 मिनट में पूरे करने हैं। अब इसमें सवाल बताए जा रहे हैं जो कंप्यूटराइज जनरेट है, ना तो ये पहले से बताए गए हैं ना ही इनको पहले से पता था, अब ये अपनी ज़हनियत के मुताबिक इसको सिलेक्ट करेंगे। आई पाबंदी ख़त्म है का इशारा कौन सा है? ज़ेल में से पैदल अशख़ास के गुजरने का रास्ता है का इशारा कौन सा है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? जी आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आई जा रहे हैं और MCQs पे ये क्लिक कर रहे हैं, साथ साथ ये जवाब देते जा रहे हैं। बस स्टॉप पर गाड़ी को पार्क किया जा सकता है? अच्छा सर, ये आफ्टर 2 मिनट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है? 10 मिनट्स अपना 2 मिनट्स बंद हो जाता है। तेज मध्यम करने का क्या मतलब है? और ये जो सवाल होते हैं ये रेंडमली आ रहे होते हैं? जी कंप्यूटर टेस्ट ले रहे हैं। मोस्टली क्या रेशो आती है आपके सामने, लोग इसको पास कर लेते हैं ज़्यादातर? जी पढ़ा लिखा आदमी हो तो इजीली कर लेता है। इजीली कर लेता है। अब सबमिट करें। सबमिट खड़े हो जाए। अच्छा ये अब इन्होंने नाज़रीन, इन्होंने अपना 10 सवालों के जवाब दे के टेस्ट पास कर लिया, ये यहाँ से इनका रिजल्ट भी जनरेट हो गया, पास भी हो गए हैं ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो स्टेप है नेक्स्ट, ड्राइविंग टेस्ट जो असल मेन स्टेप है, उसकी तरफ चलते हैं और वो देखते हैं कि वो किस तरह लिया जाता है और कितना टाइम लगता है उसको कंडक्ट करने में, और उसके पास आउट करने के बाद जो मज़ीद तफसीलात होती हैं वो भी जानेंगे। तो आइए ताहिर साहब आगे चलते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जो आखिरी मरहला होता है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का, मीन्स ड्राइविंग टेस्ट जो होता है फिज़िकली, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। लाइव आपको दिखाएँगे कि ड्राइविंग टेस्ट किस तरह लिया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, क्या एहतियात बरतनी पड़ती है। ताहिर साहब हमारे साथ इधर भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते रहेंगे और साथ साथ आपको लाइव टेस्ट भी दिखाएंगे कि किस तरह आप अपने इस फिज़िकल टेस्ट में पास हो सकते हैं। तो आइए साथ मेरे। सर हम ये अब आखिरी मरहले में आ गए। जी ये आखिरी मरहले में आ गए। ई साइन टेस्ट देने के बाद यहाँ पे अब इसका फिज़िकली जो है ड्राइविंग टेस्ट होगा, अगर ये पास करते हैं तो फिर इनको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। अच्छा ये टेस्ट पास करने के लिए किन किन चीज़ों का मतलब जो है वो एहतियात रखनी पड़ती है? मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक आपने ट्रैक बनाया हुआ है, तो ये क्या ट्रैक, बेसिकली क्या चीज़ है ये? ये ट्रैक है, इन कोनों के अंदर ये इन्होंने गाड़ी चलानी है, आगे जाना है, ठीक है, एंड तक वहाँ से रिवर्स, वन गो टेस्ट है। अच्छा वन गो टेस्ट में जब ये वापस आएंगे तो फिर इन्होंने यहाँ पे इख्तिताम कर देना है, यहीं से आगाज़ करना है, यहीं से इख्तिताम करना है। अच्छा ये मतलब हो सकता है कि स्ट्रेट तो वो चले ही जाएंगे, वो इजी होता है एक ड्राइवर के लिए जाना, जो रिवर्स करना होता है, रिवर्स में अगर समटाइम हो के थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाए तो क्या वो शिफ्ट करके दोबारा थोड़ा सा आगे जाके वापस आ सकते हैं? जब आपने रिवर्स गियर लगा लिया तो फिर आपने शिफ्ट गियर नहीं करना। अच्छा फिर उसी गियर में आपने आना है। मतलब ये पाबंदी है? जी ये पाबंदी है, किसी भी कोन को ये टच करेंगे, टायर टच होगा, गाड़ी टच होगी तो फेल हो जाएगी। तो कोई उसमें वो 3 ऑप्शन जिस तरह होते हैं हर गेम में, इस तरह में 3 ऑप्शन नहीं है? नहीं इस गेम में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ कि ये अपनी मेहरान गाड़ी में ये सफ़र कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह? ये हम फैसिलिटी देते हैं एप्लीकेंट को कि वो जो भी आप गाड़ी अपनी यूज़ कर सके जिसमें ये वो कम्फर्टेबल हो। अगर हमारे पास भी अपनी गाड़ी है सरकारी, ठीक है, अगर वो उस पर कहता है कि मैंने उस पर टेस्ट नहीं देना, मैं इस पर गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तो उसको हम अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप इस पर, ऑटो भी हो मैनुअल हो जो भी हो चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट, आप देखें ये लाइव किस तरह टेस्ट दे रहे हैं। चलिए ऑन करें। तो
ताज साहब, अब हमने जिस तरह देखा कि भाई साहब जो है वो कौन को टच कर गए थे, तो ये अब टेस्ट फेल हो गए इनका। जी ये टेस्ट फेल कर गए हैं, तो अब ये 42 डेज बाद दोबारा हमारे इसी सेंटर में विजिट करेंगे। दोबारा इनकी टिकट्स और ड्राइविंग टिकट्स 200 की, मोटरसाइकिल मोटर कार का था, तो 200 की दोबारा टिकट लगाएंगे, तो दोबारा 42 डेज बाद दोबारा टेस्ट देने के आए लोग। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अब इनको दोबारा लर्नर बनवाना पड़ेगा या अब ये वैसे ही आ सकते हैं आफ्टर 42 डेज बाद? अगर इनका लर्नर एक्सपायर नहीं हुआ तो फिर इनको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। लर्नर की लिमिट कितनी होती है? 6 मंथ तक। अगर ये टेस्ट में पास कर जाते तो फिर इसका क्या प्रोसीजर होता? अगर ये टेस्ट में पास करते तो फिर इसमें मजीद अपनी टिकटें लगाते, 200 की इन्होंने पहले टिकटें लगाई हैं उसकी ड्राइविंग टेस्ट की, तो फिर 950 की मुकम्मल लगाते, मुकम्मल कंप्लीट करते हैं। ठीक है मतलब 200 की इनकी ड्राइविंग वाली टिकट्स हो जाती और 750 जो है इनके चार्जेस होते हैं। 750 मुकम्मल करके इनके 950 चार्जेस हैं मुकम्मल। अच्छा, वो भी टिकट्स ही हैं। ठीक है, तो बस टोटल जो मतलब आप खर्चा एस्टिमेटेड लगा लें कि 950 आपने पे करना है, और कितने दिन बाद इनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाना था? 2 दिन के बाद इनके TCS के थ्रू इनके घर आ जाना। ड्राइविंग लाइसेंस के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो है वो ड्राइविंग होल्डर होते हुए अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कानून की जो शिक है उससे भी बच जाते हैं, 302 से नीचे आ जाते हैं, कत्ल का मुकदमा नहीं होता, आप जमानत में आ जाते हैं। ठीक है आपकी नेक्स्ट डे जमानत हो जाती है, और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा नाज़रीन कि किस तरह आप बआसानी अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और अपना 2000 रुपये का जो चलान है उससे जान छुड़वा सकते हैं। उसके लिए आपको जिन जिन स्टेप से गुजरना पड़ा मैंने आपको तफसील से अपनी वीडियो में दिखाया है कि लर्निंग परमिट आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। लर्नर परमिट हासिल करने के आफ्टर 42 डेज के बाद आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए किस तरह यहाँ आ सकते हैं, वो टेस्ट किस तरह का होगा, किस तरह आपको पास करना है, ये सारी चीज़ें तफसील से बताई हैं। तो खुदारा अपनी और दूसरों की जानों का ख्याल रखें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।